बढ़ाने के लिए और नारी की रक्षा को बढ़ाने के लिए मैं अमृता पांडे आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं नारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर मेरा चलने से मन घबराता है। मेरी मुट्ठी बंद जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हर तरफ पसीना माथे पर, दिल में मेरी घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटों में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गई, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूट गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार वालों की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं, भूल जाओ जो हुआ, लड़के तो बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्या क्यों नहीं कोई था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे, ये प्रश्नों की सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या शर्म तुम्हें नहीं आती है, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या शर्म तुम्हें नहीं आती है। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा तो सारे उम्र ही रह जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा तो सारे उम्र ही रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, और याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेइज्जत बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेइज्जत बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। और आओ प्रण लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो।